कराची चिकन ना जी, कराची जीरा राइस। ये देखिए आपको कॉम्बो के साथ है, देखिए दो राइस जी, जीरा राइस जी, सिर्फ जीरा राइस। तो मैं वो मंदी ओके विद मेयोनीज विद चटनी। मैं क्या बोला था, मटन मंदी है ना। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पूरी वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो फटाफट से जो है सब्सक्राइब करो। तो पहले तो आप लोगों को ये वाले वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि आज आप लोगों को मैं एक स्पेशल जगह लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट बोल के मैं तो बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार मैं वहाँ पर विज़िट कर चुका हूँ। तो इस बार भी आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अब वहाँ पे स्पेशल ऑफ़र्स हैं आप लोगों के लिए। और वो पूरे ऑफ़र्स क्या क्या है, उसमें कैसा है, हर चीज़ डिटेल में देखना है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखो, आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में मिलेगी। और रही बात प्राइसेस की, तो साथ में बता भी दूँगा और वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएंगे गाइस। तो वीडियो को एंड तक देखो गाइस, मेरे साथ पंकज ने मैं सबसे आप लोगों को जो है मिलाने वाला हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं। अब आप लोगों को तो मालूम है ना, मैं गया तो अकेला नहीं जाता, सबको साथ लेके जाता हूँ। तो मेरे साथ ये एजे शेख है जो आप लोगों को मिलाता हूँ, और हमारे साथ है हमारे सिड व्लॉग भी, उनसे भी मिलाता हूँ, उन्हें भी छुप रहे सब जने मेरे वीडियो में नहीं आते हुए रहे, कहीं कहीं सब बच्चों के रिश्ते आ रही है भाई, जरा नीचे करो। तो भाई को पहले तो अस्सलाम वालेकुम। इन्हों हैं हमारे शेख अरसलान भाई, जो कि काफ़ी बिजी रहते हो, ऑलरेडी मीटिंग में है, ऑलरेडी चल रही है मीटिंग। भाई ये कौन सी जिंदगी है, नहीं भैया क्या भी नहीं, इधर था मेरा भाई आया था इसलिए। देख रहे ना गाइस, इतना सीरियसनेस, वो भी जॉब के लिए। अब ऐसी कौन सी जॉब है जो शाम के टाइम भी तारा में बैठ कर ऑनलाइन मीटिंग चल रही, समझ के बाहर है भाई, क्या जिंदगी है ये, बोलो भाई। मीटिंग चल रही भाई, इतना डेंजर, मंथ स्टार्ट हुआ ना तो भाई, मंथ स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, हम लोग पर्सनल टाइम है साथ में लेके जा रहे हैं आप, मुश्किल है गाइस। ऐसे बिजी लोगों के लिए क्या बोलने वाले हैं गाइस, आप लोग कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, क्या कर सकते हैं भाई से, कितना हुआ तो भी संभाल लेना पड़ता है हम तो। हाँ बोलिए, एसी चालू है और जल्दी बैठो, बात करो। अंदर एसी चालू है कहते, बाहर वैसे भी गर्मी हो रही, तो मैं तो अंदर जा रहा हूँ। सही धनवर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। इनको क्या है, कभी भी अगर बुलाना है तो या तो दो दिन पहले बोलना, उसके बाद फिर एक घंटा वेट करना मेकअप के लिए, और खासकर इनका मोबाइल निकालने को रखना। अरे हाँ, ये रिश्ते की बात चल रही है भाई की, तो इनो कहीं को करते वो बात, बात तो सही है। ऐसा है क्या, अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत है, इन्होंने हमारे जब्बार भाई अजय शेख। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है एशियन फन वर्ल्ड पहुंच चुके हैं। आप लोग एशियन फन वर्ल्ड का मेरा वीडियो तो देखे होंगे, बहुत सारा प्यार मिला उस वीडियो को भी, और उसके अलावा मैं ज़ाफरान का भी बनाया हूँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा वहाँ पे भी प्यार मिला, आप लोगों का सपोर्ट मिला। तो इस वीडियो को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार देना है, सपोर्ट देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं गाइस। तो ये है ज़ाफरान रेस्टोरेंट, ये देखो, ये पूरे हमारे साथ ऐसे लोग हैं, इन्हों चालू हो गए देखो। अब आप लोगों को तो मालूम है ना, और यहाँ पे जो है गार्डन एरिया है, जिसको गार्डनिया नाम रखा गया है। अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अगर आप लोग आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी प्लेस है गाइस। अब ये वाला एम्बियंस जो है, ये देख के आप लोग ये मत समझो कि कॉस्टली हो सकता है, असल बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न यहीं पर है कि अरे एशियन फन वर्ल्ड में ज़ाफरान रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी कॉस्टली है। मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल ओपिनियन अगर दूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार विज़िट कर चुका हूँ। रही बात वीडियो की, वीडियो के बगैर भी बहुत बार आ चुका हूँ। तो गाइस जैसे कि अब आप लोगों, बहुत सारे लोगों को पता है, पूरा रेस्टोरेंट तो मैं एक्सप्लोर कराया हूँ, बट एक और प्लेस है जो मैं लास्ट टाइम भी कवर नहीं कर सका था थोड़ा बिजी रहने की वजह से, तो वो वाला भी एक्सप्लोर कराता हूँ, जो कि टॉप है, टॉप बोले तो पूरा ऊपर नहीं है, बता के आता हूँ गाइस। तो अगर आप लोग फैमिलीज के साथ आ रहे गाइस, तो आप लोगों के लिए, जैसे कि बस लोगों को पसंद रहता ना कि ओपन एयर में, ओपन खुली जगह बैठ के एंजॉय करना डिनर, तो फैमिलीज़ के लिए जो है ये प्लेस है जो कि फुल ऑफ ओपन है, स्काई ड्राइविंग रखे हुए हैं नाम, तो यहाँ से पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं गाइस, पूरा एशियन फन वर्ल्ड आप लोग जो है यहाँ से एक्सप्लोर कर ले सकते हैं।
तो ये वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी मज़ेदार है, इसलिए पर्सनली एम्बियंस के वजह से और टेस्ट ऑफ क्वालिटी और प्राइसेस जो भी हैं मेरे हिसाब से तो अफोर्ड कर सकते, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग रेस्टोरेंट में जाते वहाँ के मुकाबले में इतना बेहतरीन एम्बियंस दूसरी जगह तो नहीं है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। तो आप लोग भी विज़िट करो अगर अभी तक नहीं करें, अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस। तो चलो नीचे जाते हैं और भी कुछ बहुत सारा एक्सप्लोर करना है। आप लोगों को तो मालूम है ना अंदर आने के बाद एम्बियंस मैटर करता, तो ये वाला एम्बियंस है। बहुत सारे लोगों की यही गलतफहमी है, इतना ज़बरदस्त एम्बियंस में सस्ता खाना कोई भी नहीं खिलाता बल्कि है, तो वो कन्फ्यूजन दूर करना है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अब आप लोगों को तो मालूम है मैं कुछ ऑफर चल रहा बल्कि लेके आया था, अब सब जने क्या खेंगे पूछ रहे, तो ऑफर जो भी है वो देखने वाले। तो ये मेन्यू कार्ड देख लो आप लोग, बजट कॉम्बो ऑफर्स करते हैं जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। तो हम लोग क्या है वेज और मतलब चेंजेस भी हो सकते जो हम आपको मंगाना है उस हिसाब से 190 रुपीज़ में ऐड हो सकता, तो उस हिसाब से हम लोग ऑर्डर दिया है। अब वो क्या क्या है देखना है, तो 2 मिनट वेट करो ऑर्डर आने को। गलत बोले, 199 ठीक है, वो क्या होगा 199। ओके 199 ठीक है भाई। तो गाइज हम लोगों का ऑर्डर आ चुका है, कराची चिकन, ढाबा चिकन, ढाबा चिकन, वेज मंचूरियन और ये आपको क्रिस्पी फिश फ्राई, क्रिस्पी फिश फ्राई जो मैं स्टार्टर चेंज करके उसको चेंज करूंगा। हां ओके ओके, आसान के वास्ते ये भी चेंज हो गया, कांग्रेचुलेशन। फिश फ्राई कर लेंगे, आप भी रिव्यू देना पड़ता भाई, ये लियो जो बिल देने वाला है रिव्यू वही देगा ना। तो गाइस अब यहाँ पे आ चुकी है फिश और मंचूरियन, वेज मंचूरियन। तो अब आप लोगों को मालूम है स्टार्टर में जो अभी हमारे दोस्त अलसलान भाई जो है चेंज करा के मंगाए चिकन के बजाय फिश, टेस्ट करेंगे। फिश अनएक्सपेक्टेड है माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस, अच्छी बेस्ट फिश गुलबर्गा में खाना है ना, बिल्कुल आ जाओ गाइस, बहुत ज़बरदस्त फिश है माशाल्लाह। शादी की बारी है, इसका से क्या है अभी से जज करना चालू कर रहे हैं फिश को। अच्छा दूसरी बात एक चीज़ है, बात तो ससुराल वाले वेज मंचूरियन है ये भी देखेंगे। सईद की और मोल साहब की जगह चेंज करना है मेरे पूरे कैमरे को ब्लॉक कर दिया मोल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बिल्कुल टेस्ट कर सकते गाइस, बात कम माशा। अब सब खाने के बाद मिलते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऑर्डर हैं, क्या क्या है वो पूरे बताता हूँ। कराची चिकन ना जी, कराची बस। तो गाइस आप लोग देखें ना स्टार्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त था, ख़त्म भी हुआ जो है इंडिया की नहीं है, कराची चिकन ट्राई कर रहे हैं, उसके साथ तंदूरी रोटी है। ये देखो कैमरों के बीच में खाना पड़ रहा है भी कैमरा। अरे सईद भाई कैमरा क्या छुआ तुम, लड़को खा रहे से देख रहे हैं कैसे हमारे दोस्त लड़को खा रहे हैं, टेस्ट करेंगे कैसा है। मालूम है ना ऐसे चीज़ों के साथ साथ में कराची चिकन, कौन सा हैदराबाद कराची बिक रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान कराची का पूरा, क्योंकि जो स्पाइसेस यूज कर रहे हैं ना बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मान लीजिए क्योंकि आपको पांच पांच चार चार ब्लॉगर्स की आवाज़ आ रही है, एक्सलेंट खतरनाक है ग्रेवी जो है कराची खतरनाक बोले तो
वो हमारे लैंग्वेज है, हमारे पब्लिक समझ सकती है। कराची तो हुआ ये ढाबा स्टाइल। असलम भाई ढाबे ढाबे भुख करते ना, अब खाओ ढाबा स्टाइल कैसा है उसके बाद बोलो। ये डाल ले तो ढाबे में बैठ के खाना क्या? ऊपर 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 स्पेस तेरी से ऊपर मैं तो जा सकता। हां आपका ये वाला खाना वापस खा भाई। बीफ है क्या? मटन है? नहीं नहीं साहब ये मटन है भाई। तीन बार चिकन का मटन, ये मटन है। शादी का मोए मोए हो गया। नहीं ये मैं ढाबा में समझे मोए मोए। ढाबा मतलब क्या है? हम टेरेस को भी ढाबा बोलते हैं, ढाबे पे जाओ। राइट तू समझा? थोड़ा काम करो यार। नहीं तू नहीं समझा। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं तो गोश्त गला हुआ है नरम नरम मेरे को, वो तो दिख रही थी इसमें ढाबे का टच है। खा के देखो कैसा है। वही देखो बिस्मिल्लाह। हाँ जो ढाबे का जो टेस्ट आता है वो मसाले वाला। हाँ स्पाइसी वाला और कैसा है ठीक मसाले वगैरह और बोटी भी मस्त गली भी है। अब भाई इतनी तारीफ कर रहे जरा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। माशाल्लाह। तो ये वाला है गाइस ढाबा मटन की ग्रेवी। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से गली भी। मेंस वुमेंस मत करो आप। नहीं नहीं हम हमारे घर गलत है, ये गलत है। संडे हम लोग घर पे हम लोग बनाते पप्पा मैं वगैरह है तो हमारा सेकंड सीजन चलता है। अस्लाम की बात को लाइट लो, अस्लाम की आवाज आ रही है अंदर। तो मटन को हमारे दोस्तों अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो बिल्कुल ढाबे वाला टच जो अजय भाई बोले बिल्कुल है, वो जबरदस्त है। मैं क्या बोला? तुम भी बोले ना ग्रेवी। जीरा राइस। ये देखिए आपको कॉम्बो के साथ है, देखिए दो राइस सर जी। जीरा राइस जी? सिर्फ जीरा राइस मिलता है या फिर उसमें भी चेंज हो सकता? आपको घी राइस और जीरा राइस शायद ना जी। घी राइस घी राइस मसाला राइस घी राइस। हाँ ओके सब करो बस। वो की बात कर रहे हैं भाई, जरा आप ये भी खा को देखेंगे। लेकिन एक चीज़ के बेनिफिट मेरे साथ क्या है मालूम? मैं कुछ भी रहने मैं मॉडिफाई करने की कोशिश में रहता हूँ। सही है करो तुम बस भाई बस। वो कॉम्बो के चक्कर में इतना इतना चीज़ें खा लिया हम लोग, समझ में नहीं आ रहा मेरे, बहुत ज़्यादा खाया मैंने। ये जो है जीरा राइस है। कॉपीराइट नहीं आता आपकी आवाज़ से, टेंशन मतलब तो ट्राई करके देखेंगे। मालूम है ना आप लोगों को दोस्तों साथ में रहे तो इसी से हो। पूरा मत खाओ थोड़ा खाओ। वैसे मैं थोड़ा सा खाता हूँ भाई। मंडी आ रही। अच्छा मंदी भी मंगा रहे बोले नकम भाई। ये मंदी भी मंगा रहे हैं। नहीं भाई अंडे मंदी को मना नहीं करते कभी। नहीं नहीं ये जीरा राइस है देखो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी अच्छा है। मंदी भी ट्राई करेंगे भाई। मंदी मंगा रहे। मंदी मंगाओ नकम मंगाओ। अरे मंगाओ जी मंदी मंगाओ नकम। अरे मंगा बोला नहीं ये लोगों का पेट भरा करते हैं भाई। नहीं 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 मैं खाता हूं भाई। खाली राइस देता हूं गोश्त में खाता। अरे कितना कैसा होता। वेट करो मंदी भी आ रही। बस तुम हो मंदी वाले। ओके विद मेयोनीज विद चटनी। मैं क्या बोला था? मटन मंदी है ना जी। मटन के पीस दे। ओके मैं क्या बोला था? एक बंदे के से टेस्ट करने मंगा रहा हूँ। तो मंदी भी आई फिर बस 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 ओके ट्राई करना पड़ता है। तो मंदी आ चुकी है। मटन मंदी है। एक पर्सन टेस्ट के लिए मंगाए। वो कॉम्बो में नहीं है। फिर आप बोलने के कॉम्बो में मंदी मटन मंदी। ओके फिर बोलो माशाल्लाह गाइस देख रहे मटन तो बेहतरीन तरीके से गलावा है। आप लोगों को तो मालूम है ना इसके साथ टमाटर की चटनी आती मेन्यूज भी आता बट मेन्यूज के सिवा नको मेन्यूज के बाद में ट्राई करेंगे। मैं अटैक करूँ? सुनो तुम खाते रहो तुम खाओ उसके बाद मैं अटैक करूँ। मैं क्या को अटैक करता हूँ। कैसे दोस्ता मिले भाई मेरे को? क्या भी नहीं छोड़े सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। मैं ये भी नहीं छोड़ता। सुने कहीं को भाई तुम सब के सब बेवकूफ़ हैं। तुम सब के सब बेवकूफ़ कहीं पूछे कहीं को मंदी किस में खाना रहता? मंदी शीप में खाना रहता। अरे बाप रे मटन वो भी सही बात है। प्लेट में राइस जो है पूरा भाई एकदम। मंदी भी ट्राई करो कलर कलर मटन मंदी अच्छी है। यहाँ देखो आवाज़ा निकाल निकाल को खा रही हूँ। हाँ मस्त है मज़ेदार है बिल्कुल। ये देखो सही पूरा सही आ रहा हूँ मैं।
जबरदस्त सारे हीरो दिख रहे हैं तुम हमारे वीडियो के। सही बोल रहे हैं। हाँ ये 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 आप लोगों के दोस्त हैं ऐसा लड़कों कहीं करनी मगर उसमें मोहब्बत और मजा अलग है। सिग्नेचर जो था ना लेकिन फिश के बाद मंदी दिखी मेरे को जो पूरा हर चीज खत्म हुई मंदी भी खत्म हुई। भाई वो कॉम्बो ऑफर में चाय भी है क्या? चाय ईरानी भाई एक चाय भाई चाय जाफरानी एक चाय लो चार कप ली जाफरानी चाय लियो पांच। ओके बस चाय आप लोग देखे ना अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो चुका है। चाय की बात है तो चाय ऑर्डर दिए चाय आने के बाद कैसा बोलता हूँ वही बात टेस्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कराची और ढाबा चिकन जो मटन था अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेलेंट है। बिल्कुल आप लोग विजिट करके ट्राई कर सकते हैं और बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट है गाइस। आप लोग उसमें टेंशन मत लो, आप लोग यहाँ पे भी आके वो वाला मज़ा और वही बजट में खा सकते हैं। तो आ जाओ बिल्कुल ले जो भी ये कॉम्बो ऑफर बजट फ्रेंडली जो रखे हुए हैं उसका जितना हो सकता है आप लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ विजिट करो। और रही बात मंदी मंगाए थे वही अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे मंदी ट्राई करा था सबको पर्सनली सजेस्ट किया था कि मैं यहाँ पे खास करा के मंदी ट्राई करो। अब ये वाली मंदी है जो ये भी ट्राई करो मटन मंदी जो कि नेक्स्ट लेवल है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे हाईलाइट बोले तो मटन मंदी है यहाँ की मेरे को जो पर्सनली पसंद है। बाकी सब ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह है। चाय भी आ रही, चाय का भी रिव्यू देता हूँ उसके बाद पूरी बात करेंगे। यहाँ देखो और एक हमारे दोस्त खाते हुए थे कैसा खा रहे हैं, टेस्ट का मज़ा लगा उनको। ऐसा कैसा है इतना डेंजर है? हाँ खतरनाक। तो भाई जैसे कि आप लोगों को मालूम है अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का खाना हो चुका है। अब खाने के बाद जो है हम लोगों को चाय होना और चाय जो है वो भी अच्छी रहना। अभी जो हम कॉम्बो ऑर्डर करे थे वो कॉम्बो जितने परसेंट का आप लोग मंगाएंगे उसके साथ उतने चाय मिलते हैं। अब हम लोगों का 5 था तो 5% की चाय है और वो कॉम्बो में आप लोगों को ईरानी चाय मिलेगी गाइस। तो उसका भी टेस्ट कैसा है देखेंगे आने के बाद। थैंक यू सर। तो हमारे सईद भाई जो है सादिक भाई जो है हमारे को चाय भी सर्व कर रहे हैं। कॉम्बो में जो है ईरानी चाय मिलती तो मैं जो है ज़ाफ़रानी चाय मंगाया हूँ क्योंकि इसका टेस्ट अलग है। मैं बोला ना आप लोगों काफ़ी बार आते रहते चाय पिए खाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह तो गाइस जैसे कि आप लोग देखे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हो चुका है, रिव्यू भी हो चुका है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना रेटों के लिए जो भी ऑफर्स है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।